गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ का सबक नंबर 2 का पार्ट 3 कराएंगे। सबक नंबर 2 का पार्ट 3 कराएंगे और पार्ट 3 में आज हम अल्फाज, मानी और कुछ सवाल जवाब कराएंगे। अल्फाज मानी जो हम चैप्टर के अंदर से जो कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, जिसको हार्ड वर्ड कहते हैं, वो लिखाएंगे और आप लोग भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके, तो चलिए निकालते हैं कुछ मुश्किल अल्फाज की मानी। सबक नंबर 2 था, सबक का नाम था अकलमंद किसान। पार्ट नंबर 1 में रीडिंग कराई, फिर पार्ट नंबर 2 में भी रीडिंग कराई और एक्सप्लेनेशन कराया था। पार्ट आप लोगों का यानी चैप्टर बड़ा था, इसलिए हाफ हाफ रीडिंग कराई थी और उसका एक्सप्लेनेशन भी कराया था। अब आज हम चैप्टर के अंदर से यानी सबक के अंदर से जो मुश्किल अल्फाज की मानी है वो लिखाएंगे कॉपी में, और आप लोग भी अपनी कॉपी में देखकर नोट करेंगे, क्योंकि सबक में यानी कि लेसन में मीनिंग कम है, इसलिए हम चैप्टर के अंदर से जो मीनिंग निकालेंगे उनको लिखाएंगे और आप लोग भी अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। सबक 2, सबक 2 क्लास फिफ्थ, सबक 2, सबक का नाम है अकलमंद किसान। किसान यानी खेत में काम करने वाले को किसान कहते हैं, फार्मर जिसको कहते हैं। अल्फाज मानी, अल्फाज मानी, आप लोग भी ऐसे हेडिंग डाल लेंगे अपनी कॉपी में। पहले सबक नंबर 2 डालेंगे और उसके बाद सबक का नाम अकलमंद किसान ये डालेंगे, उसके बाद हेडिंग डालेंगे अल्फाज, फिर मानी, फिर यहां से नंबर डाल के लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, नंबर 1 में आपका है पहले, मैं आप लोगों को इसमें लेसन में अंडरलाइन करा चुकी हूं, जिन जिन अल्फाज में अंडरलाइन कराइए उन्हीं की मानी लिखना है। रियाया, नंबर 1, रियाया, रियाया मीन्स क्या होता है, प्रजा, जनता जिसको कहते हैं, प्रजा। नंबर 2, इज्जत, इज्जत, मान सम्मान, इज्जत मीन्स मान सम्मान। कर्ज, कर्ज, कर्ज मीन्स उधार, जो उधार ले लेते हैं उसे कर्ज कहते हैं। किसी से अगर हम उधार रुपए ले लेंगे तो वो क्या होगा, हमारे ऊपर कर्ज होगा, उसे कहते हैं कर्ज। हैरान, हैरान, ताज्जुब, ते एन जीम बे, ताज्जुब, हैरान मीन्स ताज्जुब। खैरात, खैरात, खैरात मीन्स होता है किसी गरीब की मदद करना,
खैरात कहलाता है, खैरात देना, गरीब की मदद करना, गरीब की मदद करना खैरात। सिक्स नंबर है होशियार, होशियार चालाक, होशियार मीन्स चालाक, चालाक। अशर्फियां, अशर्फियां सोने के सिक्के, अशर्फियां मीन्स होता है सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। राज, यहां से फिर कर लेंगे, लाइन बना लेंगे, इसी के आगे से लिखेंगे, राज, राज मीन्स होता है भेद, राज मीन्स भेद। तस्वीर, तस्वीर मीन्स पिक्चर या चित्र भी कह सकते हैं इसे, फोटो लिखेंगे हम यहां पर, फोटो, फोटो। अकलमंद, अकलमंद तेज दिमाग वाला, अकलमंद मीन्स तेज दिमाग वाला, अकलमंद मीन्स तेज दिमाग वाला। तो ये थी आपकी चैप्टर के अंदर की मीनिंग। अब दो तीन मीनिंग आपकी बुक में है जो पहले से लिखी हुई है, उनको भी लिख लेंगे यहाँ पर। कर्ज मीन्स उधार लिखा दिया है, कर्ज मीन्स उधार। राज मीन्स भेद भी लिखा, राज मीन्स भी लिखा दिया है भेद। और दरबार मीन्स शाही अदालत, सिर्फ यहाँ पर एक मीनिंग आपकी आई है, बाकी लिखा दिया हमने दरबार, दरबार मीन्स शाही अदालत, शाही यानी शहंशाहों की अदालत, राजा महाराजाओं की अदालत को शाही अदालत कहते हैं, शाही अदालत। दरबार में शाही अदालत। तो आइए इसको एक बार पढ़ के बताएंगे, फिर आप लोग भी उसको पढ़ेंगे और पढ़ के अपनी कॉपी में देख के नोट करेंगे। नंबर एक, रियाया, रियाया मीन्स प्रजा, जनता, यानी कोष्टक में आप जनता भी लिख लेंगे, जीम नू तेल जनता। इज्जत, इज्जत मीन्स मान सम्मान, किसी का आदर करना, इज्जत करना कहलाता है। कर्ज, कर्ज मीन्स उधार, कर्ज मीन्स उधार। हैरान, हैरान मीन्स ताज्जुब, हैरान मीन्स ताज्जुब। खैरात, खैरात, खैरात मीन्स गरीबों की मदद करना, यानी किसी गरीब को अपने आमदनी में से एक हिस्सा दे देना, वो खैरात करना कहलाता है। होशियार,
होशियार मीन्स चालाक, होशियार मीन्स चालाक। अशरफिया, अशरफिया, अशरफिया मीन्स सोने के सिक्के। पुराने जमाने में क्या था, अशरफिया चलती गई थी, यानी सोने के सिक्के चलते गए थे। अब तो कागज के, गिलट के, इन सब चीजों के पैसे चलते हैं, रुपया चलता है। पहले जमाने में राजा महाराजाओं के टाइम में अशरफिया चलती गई थी, यानी सोने के सिक्के चलते थे, उन्हीं को अशरफिया कहते हैं। राज, राज मीन्स होता है भेद, यानी दिल में जो हमारे बात छुपी हुई होती है उसको भेद यानी राज कहते हैं। तस्वीर, तस्वीर मतलब, तस्वीर मीन्स चित्र यानी फोटो, पिक्चर जिसको कहते हैं, चित्र। यहां पर हमने तस्वीर की मीनिंग फोटो लिखी है। अकलमंद, अकलमंद यानी बहुत होशियार, चालाक, तेज दिमाग वाला। चालाक भी इसको कह दे, अकलमंद होशियार भी कह देंगे, और तेज दिमाग वाला भी इसकी मीनिंग हो जाएगी। दरबार, दरबार मीन्स शाही अदालत, यानी शहंशाहों की अदालत, राजा महाराजाओं की अदालत को दरबार कहा जाता है। तो ये थी आपकी अल्फाज मानी, ये आपके अल्फाज मानी है, इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग कॉपी में अपने नोट करेंगे। आइए आगे कुछ क्वेश्चन आंसर बताते हैं, पढ़ के बताएंगे पहले, उसके बाद कॉपी में लिख के बताएंगे। पढ़ के बताएंगे पहले हम सवाल जवाब, उसके बाद कॉपी में लिख के बताएंगे। सोचिए और बताइए, यानी वही सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक, राजा महल से बाहर क्यों निकलता था, राजा महल से बाहर क्यों निकलता था। जवाब है, अपनी रियाया का हाल जानने के लिए महल से बाहर निकलता था। अपनी रियाया यानी अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए वो महल से बाहर निकलता था। कभी कभी राजा जो रात में धीरे से निकल जाते थे और पता करते थे कि मेरी प्रजा में यानी मेरी रियाया में क्या चल रहा है, कैसे लोगों के हाल चाल हैं, तो फिर वो उसी हिसाब से उनकी मदद करते गए थे। और सवाल नंबर दो, राजा ने किसान से क्या सवाल किया। सवाल नंबर दो है, राजा ने किसान से क्या सवाल किया। जवाब, जवाब है इसका, राजा ने किसान से कहा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो। राजा ने किसान से कहा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो। किससे सवाल किया, राजा ने किससे सवाल किया, किसान से, कि तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो। सवाल नंबर तीन, किसान एक रुपया किस तरह खर्च करता था, किसान एक रुपया किस तरह खर्च करता था। जो किसान जो एक रुपया कमाता था डेली के हिसाब से, रोज के हिसाब से, वो उस एक रुपये को किस तरह से खर्च करता था। जवाब, किसान एक हिस्सा अपने, यहाँ पर किसान लिख देंगे, किसान नहीं लिखा है, किसान एक हिस्सा अपने ऊपर खर्च करता था, यानी
₹1 में चार हिस्से थे, चार भाग थे, वो अलग अलग हिस्से अलग अलग तरीके से खर्च करता था। यानी किसान रुपए का एक हिस्सा अपने ऊपर और अपनी बीवी के ऊपर खर्च करता था, रुपए का दूसरा हिस्सा यानी एक हिस्सा कर्ज उतार कर, रुपए का जो दूसरा हिस्सा था वो क्या करता था, कर्ज उतारता था, और रुपए का तीसरा हिस्सा यानी अगला हिस्सा, एक हिस्सा कर्ज देकर, और जो रुपए का तीसरा हिस्सा था वो उससे कर्ज देता था, और एक हिस्सा कुएं में डालकर खर्च करता था, और जो रुपए का आखिरी हिस्सा था, चौथा हिस्सा था, वो उसे कुएं में डालकर खर्च करता था। कुएं में डालने का मतलब था वो खैरात कर देता था, कुएं में डालने का मतलब था खैरात कर देना, वो रुपए का चौथा हिस्सा खैरात कर देता था। सवाल नंबर चार, किसान ने ₹1 के खर्च का क्या मतलब बताया। किसान ने ₹1 के खर्च का क्या मतलब बताया। बच्चों इस सवाल का जवाब बहुत बड़ा है, इसलिए आपकी बुक में नहीं आ पाएगा, क्योंकि बुक में सिर्फ एक लाइन दी हुई है और इस एक लाइन में ये बड़ा जवाब है, तो नहीं आ पाएगा, इसलिए हम पढ़ के बताएंगे, उसके बाद उसे कॉपी में लिख के बताएंगे। इस सवाल के जवाब को हम बुक में ना लिखकर कॉपी में लिखकर बताएंगे और दिखाएंगे। तो आइए इसको हम पढ़कर बता दे रहे हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है। सवाल था, किसान ने ₹1 के खर्च का क्या मतलब बताया। आइए इसका जवाब बताते हैं, इसका जवाब बहुत बड़ा है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, ये जवाब है उसी सवाल का। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, राजा महाराजाओं को हुजूर कहा जाता है, हुजूर इसका मतलब ये है कि चार आने जो खाता हूँ वो तो मेरे ऊपर और मेरी बीवी पर खर्च होते हैं। ये उसी सवाल का जवाब है अभी, कि जो रुपए का एक हिस्सा मैं खाता हूँ, वो एक हिस्सा जो खर्च करता हूँ वो मेरे और मेरी बीवी पर खर्च हो जाते हैं। चार आने का जो मैं कर्ज उतारता हूँ, यानी रुपए का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा भाग है, उसका जो मैं कर्ज उतारता हूँ, उसका मतलब है कि चार आने में अपने माँ और बाप पर खर्च करता हूँ। जो रुपए का दूसरा हिस्सा खर्च करता था वो किसके ऊपर खर्च करता था, अपने माँ बाप के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ने, या सभी के माँ बाप जो है अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और पालने पोसने में जो खर्च होता है वो बच्चों के ऊपर माँ बाप का कर्ज होता है, वो बच्चों के ऊपर माँ बाप का कर्ज होता है। इसलिए वो क्या करता था, रुपए का दूसरा हिस्सा वो अपने माँ बाप के ऊपर खर्च करता था, वो उसके ऊपर कर्ज था। इसलिए उसने बताया कि मेरे माँ बाप ने मुझे पालने पोसने में जो खर्च किया था, पाल पोस कर बड़ा किया, उसमें खर्च लगा, वो मेरे ऊपर कर्ज था, इसलिए मैं वो रुपए का दूसरा हिस्सा अपने माँ बाप के ऊपर खर्च कर देता हूँ, ये मेरा कर्ज उतर जाता है। अब आइए आगे, चार आने जो कर्ज देता हूँ, यानी रुपए का तीसरा हिस्सा, रुपए का तीसरा भाग जो मैं खर्च करता हूँ वो कर्ज देता हूँ। कर्ज किसको देता है, वो मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ, यानी कि वो रुपए का तीसरा हिस्सा जो था वो अपने बच्चों के ऊपर खर्च करता था, ये अपने ये था उसको कर्ज देना, ये कर्ज देता था। किसान जो अपने बच्चों के ऊपर अब खर्च कर रहा था, वो बच्चों के ऊपर कर्ज था, वो अपने बच्चों को कर्ज देता था, यानी कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो वो उनकी खिदमत कर सके। जो माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, पहले उनके माँ बाप ने उनके ऊपर खर्च किया,
तो वो अब अपने माँ बाप का कर्ज उतार रहे थे रुपए का एक हिस्सा दे करके। अब जो रुपए का तीसरा हिस्सा खर्च करते थे वो अपने बच्चों के ऊपर, तो वो अपने बच्चों को कर्ज दे रहे थे क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाएं तब ये हमारी खिदमत कर सके, फिर वो अपना कर्ज उतारेंगे। तो रुपए का तीसरा हिस्सा अपने बच्चों के ऊपर खर्च करता था, वो हो गया कर्ज देना। चार आने जो कुएं में फेंकता हूं, जो किसान ने बताया था कि चार आने में कुएं में फेंक देता हूं, यानी कि रुपए का चौथा हिस्सा मैं कुएं में डाल देता हूं, तो उसका मतलब ये था कि चार आने जो कुएं में फेंकता हूं तो उसका मतलब ये है कि मैं इतना खैरात कर देता हूं, और रुपए का चौथा हिस्सा जो था वो गरीबों में दान कर देता था, गरीबों को दे देता था। तो ये था उसका खैरात करना, खैरात मतलब कुएं में डाल देना, वो गरीबों के ऊपर खर्च कर देना यानी कि कुएं में डाल देना था। ये था यहाँ तक उस सवाल का जवाब। इतना बड़ा जवाब है इसलिए वो आपकी बुक में नहीं आ सकता था, इसलिए हमने बुक में नहीं लिखा है, इसको हम कॉपी में लिख के दिखाएंगे और आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो ये हो गए आपके चारों सवालों के जवाब, जो हमने सिर्फ पढ़कर बताए हैं, अभी लिखकर नहीं बताए हैं। तो जब अगली वीडियो में हम इन सवाल और जवाब को लिखकर कॉपी में दिखाएंगे, जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो अगली वीडियो में कॉपी में यानी नोटबुक में हम सवाल जवाब लिखकर दिखाएंगे। अभी हमने अल्फाज मानी से आप लोगों की कॉपी में नोट कराई है, तो आप लोग अपनी बुक उसमें नोटबुक में अल्फाज मानी लिख लेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में हम सवाल जवाब लिखाएंगे, तो फिर आप लोग अपनी कॉपी में सवाल जवाब भी लिखेंगे। ओके बच्चों, तो ये हो गए आपके अल्फाज मानी और सवाल जवाब, उसके बाद फिर एक्सरसाइज कराएंगे। ओके, थैंक यू।